दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स को एक प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी वो वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनके वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, बट उस वीडियो को वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में ऐड नहीं किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग एक यूट्यूबर हैं और आपको भी यह प्रॉब्लम हो रही है कि आपके वीडियो का वॉच टाइम आपके मोनेटाइजेशन पेज में ऐड नहीं किया जा रहा है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि मोनेटाइजेशन पेज में आपके वीडियो का वॉच टाइम क्यों ऐड नहीं किया जा रहा है और इसका क्या सोल्यूशन है। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पे मिलेगी हर खबर डंके की चोट पर। दोस्तों बात करते हैं कि जब एक यूट्यूबर अपने यूट्यूब के चैनल पे वीडियो अपलोड करता है तो वह दो तरीके की वीडियो अपलोड करता है, या तो शॉर्ट वीडियो अपलोड करता है या तो लॉन्ग वीडियो अपलोड करता है। और कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं कि शॉर्ट और लॉन्ग वीडियो अपलोड करते हैं, जो कि मेरी तरह है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात आ जाती है कि एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 4000 घंटे की जरूरत पड़ती है। लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और उनके वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में ऐड नहीं किया जा रहा है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है। सो फ्रेंड्स यहां पे एक नहीं दो रीजंस होते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए मैं अब आपको दोनों रीजंस बता दूं कि क्यों नहीं ऐड हो रहा है, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि पहला रीजंस क्या होता है। दोस्तों मान लीजिए आप अपने यूट्यूब के चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप पहले अपने यूट्यूब के चैनल पर जाकर देखिए कि आप किस टाइप के वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप ज्यादा करके शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हो और आपकी शॉर्ट वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ रहे होंगे, हजारों में, लाखों में। और कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं जिनके यूट्यूब के वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आ जा रहे हैं, लेकिन उनके भी वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में ऐड नहीं किया जा रहा है, तो इसका क्या रीजन होता है। देखिए तो फ्रेंड्स यहां पे इसका रीजन यही है कि जैसे कि मान लीजिए आपने एक वीडियो शॉर्ट वीडियो बनाई, आपने उस वीडियो को पब्लिक कर दिया और आपके वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइबर्स के पास तो गया होगा, और मान लीजिए नोटिफिकेशन पे कोई क्लिक किया होगा आपके वीडियो को, तो आपके वीडियो को जो भी वॉच करेगा और आपकी वीडियो शॉर्ट वीडियो होगी, एक मिनट से छोटी वीडियो होगी, तो उस पर जो भी जितनी देर तक वो आपकी वीडियो को देखेगा उसका वॉच टाइम आपको मिलेगा। मिला जुला के दोस्तों बात इतनी है, मान लीजिए आपने शॉर्ट वीडियो बनाई, आपके नोटिफिकेशन वीडियो जब अपलोड किया, नोटिफिकेशन कोई क्लिक करके देखा या फ्रेंड्स मान लीजिए कोई सर्च करके आपकी शॉर्ट वीडियो को देख लिया, तो वहां पे आपके वीडियो पे जो व्यूज आएंगे उसका वॉच टाइम मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए आपकी शॉर्ट वीडियो किसी के ब्राउज फीचर्स में जाती है, सजेस्टेड में जाती है, तब भी फ्रेंड्स आपके थंबनेल पे कोई क्लिक करके अगर आपकी वीडियो को देखता है, शॉर्ट वीडियो को, तो उसका वॉच टाइम आपको मोनेटाइजेशन पेज में मिलेगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर बात की जाए कि आपके वीडियो शॉर्ट है और शॉर्ट फीचर्स में चली जाती है और शॉर्ट फीचर्स में लोग स्वाइप अप करके आपके वीडियो को देख रहे हैं और आपके वीडियो पे हजारों में, लाखों में, मिलियंस में व्यूज आ जा रहे हैं, तब भी फ्रेंड्स वहां पे आपके शॉर्ट्स वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। यानी फ्रेंड्स अगर आपके वीडियो को कोई नोटिफिकेशन से, सजेस्टेड से, ब्राउज फीचर से सर्च करके आपके वीडियो को कोई देखेगा और आपके वीडियो पे थंबनेल पे क्लिक करके कोई आपके वीडियो को, शॉर्ट वीडियो को देखेगा, तो उस पर जो व्यूज आएंगे उसका वॉच टाइम मिलेगा। और अगर आपके वीडियो कोई शॉर्ट फीचर्स में जाकर देखेगा, स्वाइप अप करके देखेगा, तो वहां पर जितने भी व्यूज आएंगे आपके यूट्यूब के वीडियो पर उसका वॉच टाइम आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों आपको लगता है कि मेरे वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में ऐड नहीं किया जा रहा है। दूसरे रीजन की बात करें फ्रेंड्स कि बहुत से यूट्यूबर ये कह रहे हैं कि सर मैं अपने YouTube के चैनल पे लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ और लॉन्ग वीडियो भी अभी मैंने 2 दिन पहले डाली है, 4 दिन पहले डाली है, 5 दिन पहले डाली है, उस पर भी अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 व्यूज आ गए हैं, लेकिन उसका भी वॉच टाइम नहीं ऐड हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। दोस्तों देखिए कुछ दिन पहले यानी करीब मान लीजिए 6 महीने साल भर पहले YouTube पे एक सिस्टम था कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करता था तो 24 घंटे के बाद उसको अपने वीडियो का एनालिटिक्स शो होता था YT Studio ऐप में या YT Studio में, ठीक है। तो वहां पे जब भी कोई पहले क्या था कि वीडियो अपलोड करता था 24 घंटे के बाद उसके वीडियो पर जितने भी व्यूज आते थे, जो भी वॉच टाइम उसको मिलता था, वह उसके YT Studio में शो होते थे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे YouTube ने कुछ दिन पहले एक अपडेट किया कि आने वाले टाइम पे जब आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके वीडियो पर जो भी वॉच टाइम मिलेगा उसका वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के बीच में हम लोग ऐड करेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, मान लीजिए पहले क्या था कि आप वीडियो अपलोड करते थे, आपके वीडियो का जो वॉच टाइम मिलता था उसका वॉच टाइम आपको YT स्टूडियो में शो होता था, जो कि अभी भी वो YT स्टूडियो में शो हो रहा होगा, लेकिन आप मोनेटाइजेशन पेज में जाकर के चेक करेंगे और आपके वीडियो में हजारों में व्यूज होंगे, आपकी वीडियो बड़ी वीडियो होगी, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट की वीडियो होगी, तो वहां पर आपके मोनेटाइजेशन पेज में वहां पर वॉच टाइम शो नहीं हो रहा होगा। इसका मतलब यह है कि फ्रेंड्स यह यूट्यूब का एक अपडेट आ गया है। मान लीजिए आपने 4 दिन पहले वीडियो अपलोड की, 3 दिन पहले वीडियो अपलोड की, तो वहां पर YT स्टूडियो में शो होगा वॉच टाइम और मोनेटाइजेशन
सेक्शन पेज में जाके चेक करेंगे तो वहां पे शो नहीं होगा, वह जो दोस्तों अपडेट होगा करीब एक हफ्ते के बाद होगा, यानी फ्रेंड्स 7 से 10 दिन के बाद आपके मोनेटाइजेशन पेज में वहां पे अपडेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप लोगों की एक प्रॉब्लम हो जाती है कि आप 3 दिन के बाद जाके मोनेटाइजेशन पेज में चेक करते हैं कि मेरे वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज आ गए हैं, और मोनेटाइजेशन पेज में जब जाके चेक करते हैं तो वहां पे आपका वॉच टाइम ऐड नहीं किया होता है, तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब क्या सोल्यूशन में है इसका मैं बता दूं। दोस्तों देखिए, अगर आप शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो शॉर्ट वीडियो पे जो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, हजारों में लाखों में व्यूज आ रहे हैं, शॉर्ट फीचर से आ रहे हैं, तो उसका वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और रही बात लॉन्ग वीडियो का, लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम मोनेटाइजेशन पेज में नहीं ऐड हो रहा है, तो सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक हफ्ते से 10 दिन का वेट करना है। 10 दिन के बाद आप अपने मोनेटाइजेशन पेज में जाके वॉच टाइम चेक करेंगे तो आपके लॉन्ग वीडियो का जितना भी ज्यादा वॉच टाइम आया होगा वह सारा आपके मोनेटाइजेशन पेज में ऐड कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर दीजिएगा, अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है मैं आपको यहां पे चैनल को चेक कर लूंगा और आप मुझसे वहां पे बात करके भी पूछ सकते हैं, और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन होंगे, डाउट होंगे, वहां पे आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि शॉर्ट वीडियो हो या लॉन्ग वीडियो हो उसका मोनेटाइजेशन पेज में वॉच टाइम ऐड क्यों नहीं होता है और उसका क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं दोस्त किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।